नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट 3 विकेट से जीत लिया। ऋषभ पंत ने जोस हेजबुल की गेंद पर चौका जड़ भारत को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस तरह से भारत ने लगातार तीसरे साल बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को गुरूर था कि वो ब्रिस्बेन में 32 साल से कभी भी मुकाबला नहीं हारी है और भारत के खिलाफ गाबा के मैदान पर एक भी मैच नहीं गवाया है। लेकिन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम ने कंगारू टीम का सारा घमंड तोड़ दिया। भारत ने चौथा टेस्ट मैच 3 विकेट से जीता। इस मैच में सबसे बड़े हीरो ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने चौथी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ब्रिस्बेन का गाबा मैदान किसी किले से कम नहीं था, क्योंकि क्वारंटाइन की वजह से जब खिलाड़ियों ने मना किया था तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटरों ने कहा था कि भारतीय टीम ब्रिस्बेन में इसलिए नहीं खेलना चाहती क्योंकि कंगारू टीम का रिकॉर्ड ब्रिस्बेन में शानदार है। हालांकि रहाणे की अगुवाई वाली टीम ने ये साबित कर दिया कि भारत की युवा खिलाड़ियों वाली टीम भी ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। इस सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम को पहले मैच में हार मिली थी। भारत पहली पारी में 36 रन पर ऑल आउट हो गया था, लेकिन दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने पस्त किया था। तीसरा मैच चोटिल खिलाड़ियों ने ड्रॉ कराया था, जबकि चौथे मैच में भारत ने फिर से ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। भारत ने चौथी पारी में 100 से कम ओवरों में 328 रन का टारगेट चेस कर इतिहास रचा और लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े मैदानों पर भारत ने अब हर एक मैदान पर कम से कम एक टेस्ट जीत लिया है। एडिलेड, पर्थ, मेलबर्न और सिडनी के बाद अब भारत ने गाबा के मैदान पर भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को धराशायी किया है। ब्रिस्बेन का किला ऋषभ पंत की नाबाद 89 रन की पारी के दम पर जीतने में सफलता हासिल की है। अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।